हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले आपके जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं, जिसे आप आपके एंड्रॉइड फोन में चलाते हो, वो चाहे मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो या जो कुछ भी आपके मतलब थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट से वगैरह डाउनलोड करते हो, तो उसे आप जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में चलाते हो वैसे आप आपके पीसी में कैसे चला सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखना। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम क्या करते हैं, आपके जो कुछ भी एंड्रॉइड के एप्लीकेशन उसे आप आपके पीसी में यहाँ पे डाउनलोड करते हो, तो देखिए वो यहाँ पे डाउनलोड तो हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे ऑपरेट नहीं होते। जैसे आप उस पर उसे रन करने की कोशिश करते उस पे मतलब डबल क्लिक वगैरह करते हो, तो देखिए वहां पे एक मैसेज लिख के आता है कि दिस एप्लीकेशन डज नॉट वर्क या दिस एप्लीकेशन डज नॉट वर्क इन योर पीसी। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ भी पीसी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके मोबाइल फोन में नहीं चलेंगे और जो कुछ भी मोबाइल के जो एप्लीकेशन और पीसी में नहीं चलेंगे, तो देखिए आप बोलोगे यार आप तो इस वीडियो में बताने वाले हो कि एंड्रॉइड के एप्लीकेशन आप कैसे पीसी में चला सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक इम्यूलेटर है, इम्यूलेटर आपको आपके पीसी में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपके जो कुछ भी सारे एंड्रॉइड के एप्लीकेशन वो आपके पीसी में चला सकते हो। तो चलिए यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे क्या होगा मेरे जो नए नए टेक्निकल वीडियोज है, ऐसी हेल्पफुल वीडियोज है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो गूगल है, गूगल आपको यहाँ पे ओपन कर देना और यहाँ पे आपको सर्च करना है bluestack.com। तो देखिए ये वाला bluestack.com आपको ओपन करना है। तो देखिए ये वाला जो वेबसाइट है, ये वाली जो वेबसाइट इसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जैसे उस पर जाके क्लिक करते हो तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही दिखाई देता है डाउनलोड bluestack 4 या डाउनलोड bluestack 4, देखिए दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन से भी ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो देखिए यहाँ पे आ गए क्लिक टू इंस्टॉल। तो देखिए उसका जो इंस्टॉल इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस योर पीसी, तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ब्लू स्टैक 4 का जो इंस्टॉलर है आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इसके जो फाइल्स है, फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए इसकी जो फाइल की टोटल बात करें तो 531 MB की ये फाइल है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 मिनट लग सकती है ये वाली फाइल डाउनलोड करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपके इंटरनेट स्पीड के साथ। तो देखिए मेरे यहाँ पे मतलब अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड है, तो यहाँ पे मतलब जो फाइल्स है, फाइल्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रही है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा स्किप करता हूँ, मतलब ये 2 मिनट में यहाँ पे आपके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलिए फटाफट से मैं इसे थोड़ा स्किप कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपके पीसी में यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम गूगल प्ले स्टोर के लिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे लॉगिन करने या साइन इन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने या आई डू लेटर पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो। तो देखिए मुझे यहाँ पे आपको कोई गेम या कोई मतलब यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड करके आपको यहाँ पे शो करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसे साइन इन करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे साइन इन नहीं करता तब तक मैं मतलब जैसे अपने ऐप स्टोर से हम कोई सॉरी हम जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से अगर जब तक लॉगिन नहीं करते तब तक मतलब यहाँ पे कोई उसका जो ऐप हम यहाँ पे डाउनलोड नहीं करते, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी जो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा या साइन इन करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मेरा जो आईडी है, मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। सो दोस्तों, मैंने मेरा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर एक बार मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे पूछे आपको यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहे, तो सारे ऑप्शन के यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना। जैसे मतलब आप आपके जैसे मोबाइल फ़ोन में जब भी प्ले स्टोर ओपन करते हो, जब भी मतलब लॉगिन करते हो, तो सारे इस तरीके के सेटिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपके प्ले स्टोर के, तो इसी मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपके मोबाइल के अंदर मतलब फ्री फायर गेम हो गई या मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस वाली गेम, मतलब सारी यहाँ पे जो आपकी गेम्स वगैरह आप यहाँ पे चला सकते हो, आपके कैरम वगैरह, मतलब जो कुछ भी आपको प्ले स्टोर में जो कुछ भी आपको चलाने वो आप यहाँ पे आपके पीसी में चला सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे आपको एक गेम प्ले यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल गेम हाई क्लाइम वाली गेम है, मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल वाला ऑप्शन है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग के ऑप्शन भी आपके यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे, मतलब जैसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन में होता है सब कुछ, वैसे ही आपके पीसी में आप यहाँ पे चला सकते हो। मोबाइल पे जो कुछ भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर या जो कुछ भी सारी चीज़ें सॉरी जो कुछ भी आपके मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग के एप्लीकेशन है, फोटो एडिटिंग के एप्लीकेशन, वो भी सारे मतलब आप आपके पीसी में यहाँ पे चला सकते हो, गेमिंग खेल सकते हो। उसके बाद देखिए हाई क्लाइम रेसिंग वाले मैंने यहाँ पे जो गेम यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। उसके बाद ओपन वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो अपनी गेम है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो कुछ भी गेम्स या जो कुछ भी मतलब ऐप्स में डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे माई गेम्स में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो देखिए हाई क्लाइम वाली जो गेम है, गेम में यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, फिर एक बार मैं इसे फुल स्क्रीन यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ।
तो देखिए अपने जो हाई क्लाइम वाली गेम जो है यहाँ पे, मतलब जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में चलते हैं वैसे यहाँ पे चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी मुझे इसके ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एंटर वाले बटन क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप आपके मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हो वैसे आप यहाँ पे खेल सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कर रहा हूँ, मतलब कीबोर्ड का जो राइट वाला बटन है वो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इसका जो गैस यहाँ पे एनेबल हो रहा है, और जैसे मैं मतलब लेफ्ट वाला बटन दबाता हूँ तो इसका जो ब्रेक यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे करके मतलब आपके जो कुछ भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड के जो कुछ भी ऐप्स हो गए, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर हो गए या यहाँ पे आपके पीसी में कुछ। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि आपके जो कुछ भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशन है वो आप आपके पीसी में कैसे रन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसके बाद मैंने और एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर जो आई बटन यहाँ पे भी मिल जाएगा कि आपके जो कुछ भी, देखिए हमने इस ये वाली वीडियो में देखा कि आपके जो कुछ भी प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन अवेलेबल है उसे आपके पीसी में कैसे रन कर सकते हो। लेकिन देखिए मैंने और एक वीडियो बना के यहाँ पे इस चैनल पर अपलोड किया कि मतलब जो कुछ भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है या जो कुछ भी हम जो अपनी वेबसाइट है वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, जैसे हम कहते हैं क्रैक वाले जो आपके एप्लीकेशन होते हैं, जिससे मतलब अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ से आपको परचेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके वहाँ से डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे फ्री में उसका जो एमओडी एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ पे डाउनलोड आप वहाँ से कर सकते हो। तो देखिए वाले जो एप्लीकेशन आपके पीसी में कैसे रन करने उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसके लिंक में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऊपर जो आई बटन यहाँ पे दे दिए, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, कीप कंटिन्यू विद अस, थैंक यू। और लास्ट बात, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।